सवे भवन्तु सुखिन। आरती है मात मेरी पर विशेष। भाग -18। लेख का उद्देश्य आध्यात्मिक लक्ष्य हेतु सत्कर्म करने हेतु प्रेरित करना है। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना अपना कोई कुटुंब साथी, ना अपना यह शरीर साथी। इस संसार में जन्म लेने के बाद रिश्ते नाते जुड़ते हैं और मृत्यु होने के बाद रिश्ते नातों का अंत हो जाता है। रिश्ते परिवर्तनशील हैं, इसलिए रिश्ते अनित्य हैं। जो आज किसी का दादा है, हो सकता है वह दादा ही मृत्यु के बाद पौत्र अथवा पपौत्र के रूप में जन्म ले ले। जैसे कि एक सत्य कथा के अनुसार, एक मित्र के द्वारा धन के लालच में अपने साझेदार मित्र की धोखे से हत्या करने के बाद उस साझेदार ने हत्यारे मित्र के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया और हत्यारे मित्र की बर्बादी का कारण बना। यह सत्य कथा संदेश देती है कि कर्म भोग चक्र से कोई नहीं बच सकता है, इसलिए सदैव सत्कर्म ही करने चाहिए तथा समस्त रिश्ते नाते परिवर्तनशील हैं। इसीलिए कहा है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना अपना कोई कुटुंब साथी, ना अपना यह शरीर साथी। जैसे कि कमल की जड़ें कीचड़ में फैली हुई रहती हैं, लेकिन फूल कीचड़ से सना हुआ नहीं रहता, फूल कीचड़ से ऊपर उठा रहता है। तो ज्ञान कहता है कि जैसे कीचड़ पानी आदि के बिना फूल भी मुरझा जाता है, तो ऐसा कोई नहीं जो इस संसार के आश्रय के बिना जीवित रह सके। कमल का फूल शिक्षा देता है कि गंदगी में तो रहो, लेकिन उस गंदगी से ऊपर उठ कर रहो, यानी कि संसार में तो रहा, लेकिन मन को कमल की तरह निर्लिप्त रखो। जैसे कमल को कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह मन सांसारिक पदार्थ शक्ल से निर्लिप्त अनासक्त वैरागी रहना चाहिए। इसीलिए पूर्व में कमल का फूल साधुओं को भेंट किया जाता था। संसार प्रकृति के सहयोग के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। किसी के अस्वस्थ रोगग्रस्त होने पर मनुष्य एक दूसरे के काम आते हैं, इसीलिए परिवार का अस्तित्व है, इसीलिए समाज का अस्तित्व है, इसीलिए सन्यासियों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाते हैं, भिक्षुक संघ बनाए जाते हैं। संसार में विद्यमान प्राणियों के साथ करुणा मैत्री मुदिता पूर्वक सद्व्यवहार करना चाहिए तथा विकारों की उपेक्षा करनी चाहिए। अतः अधिकतर लोगों के साथ भविष्य में घटित होने वाले कर्मों के परिणाम की सच्चाई को, दुखों से हुए संयोग को ध्यान में रखते हुए उस अदृश्य शक्ति माँ की शरण धारण करनी चाहिए। यानी कि तन तो संसार से जुड़ा रहे, लेकिन मन संसार में विद्यमान शक्लों पदार्थों से अनासक्त विरत रहे। हर पल क्षण साक्षी दृष्टा भाव से धर्मपूर्वक निष्काम सत्कर्म करते हुए जीवन जिए। हर पल क्षण अदृश्य शक्ति के ज्ञान को, उसकी वाणी को याद रखें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, केवल अदृश्य शक्ति का ज्ञान, अदृश्य शक्ति की वाणी ही अंतर मन में शेष रह जाए। ज्ञान के अनुसार आचरण ही जागरण है, ऊर्ध्वगमन है, ज्ञान की शरण है। सात्विकता ही उस अदृश्य शक्ति की सच्ची उपासना है। सात्विकता उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है। सात्विकता योग का साधन है और उस अदृश्य शक्ति की सत्य शरण है। तामसिकता अदृश्य शक्ति से पृथक कर देती है। तामसिकता वियोग का साधन है। जैसा कि कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि जैसे बीज से वृक्ष बनने में काफी दीर्घ समय लगता है, उसी तरह एक साधक शिष्य भी एक दिन में आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, कोयले से हीरा बनने में समय लगता है, उसी तरह संसारी से वैरागी बनने में समय लगता है, प्रेय मार्गी से श्री मार्गी बनने में
समय लगता है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में समाहित होने में समय लगता है। साधक शिष्य जिसे भी मानते हैं, साधक शिष्य को उनके ज्ञान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और एक निमित्त की तरह जीवन जीना चाहिए। अभ्यास करते करते इश्क मजाजी प्रिय मार्ग से इश्क हकीकी श्रेय मार्ग तक की यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। साक्षी भाव दृष्टा भाव से निष्काम सत्कर्म करते हुए ध्यान के दौरान भूत भविष्य के चिंतन से विरत रहने के उपरांत, धारणा से ध्यान में प्रविष्ट होने के उपरांत, समाधि में प्रवेश करने के उपरांत ही उस अदृश्य शक्ति की अनुभूति साक्षात्कार किया जा सकता है। लगातार -19